हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज अपन टॉपिक की जो टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और इस टॉपिक को अपन दो या तीन लेक्चर से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में हम वेग रूपांतरण तक कल क्या कर गए थे, पहुंच गए थे। ठीक है, आज जो अपन टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसेलरेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसेलरेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। यदि आपको इन टर्म में कोई भी डाउट है, कोई भी थोड़ा सा क्यूरीज है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें आपके पूरे डाउट्स और क्यूरीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको ये वीडियो क्या होगा एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो त्वरण की अपन बात करें तो कल मजाक में भी बोला था कि भाई ये वेलोसिटी के बारे में DU/DT है ना, तो वो क्या था, त्वरण था, वो एक मजाक के लिए था। ठीक है, तो आज अपन सच में क्या करेंगे, त्वरण के रूपांतरण के लिए DU(x)/DT, अर्थात त्वरण होता है क्या, वेग में परिवर्तन, तो ये वेग और इसमें क्या आ गया, परिवर्तन। ठीक है, तो DU(x)/DT निकालेंगे, तो बताइए इसके लिए अपन को किस टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए, अपन को पता होनी चाहिए UX- की, जो कि अपन को पता है कितनी वैल्यू है, UX-V/this। ठीक है, 1-V/UX कितना हो गया, C2। ये क्लियर है, देखो ये हमने कल प्रूव भी कर रखा है। ठीक है, यदि ये टर्म कैसे आई ये भी क्लियर नहीं है, तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके ये भी देख सकते हो कि ये टर्म कैसे है। ठीक है, अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, इस टर्म को चेंज करेंगे। चेंज किस हिसाब से करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं किया, ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं लिख दूं UX-V, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1V UX/C2^(-1)। केवल इतना बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों लिखा, ईजी हो जाएगा। U.V से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, U.V से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले अपन इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू समझिएगी, यहाँ पे UX- क्या है, V है। ठीक है, तो 1/x का कितना होता है डिफरेंशिएट, -1/x2, तो -1 कितना आ जाएगा, x2, मतलब 1-V UX/C2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब कौन सी टर्म की बारी आएगी, इस टर्म की बारी आएगी। ठीक है, तो इस टर्म में देखिए हमारे पास V और C2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, अपन को डिफरेंशिएट किसका करना है, UX का करना है। तो जब अपन डिफरेंशिएट UX का करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी V/C2, तो क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और UX क्या, हाँ, डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन देखिए आगे माइनस भी आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर V/C2 के आगे UX है, लेकिन किसका है, माइनस का UX है, तो माइनस तो आएगा। ठीक है, ओके, अक्स का डिफरेंशिएट हुआ। अब क्या करेंगे, अब अपन जो बाकी रिमेन टर्म रहेगी उसको क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, अर्थात अपन क्या लिखेंगे, UX- क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया था, इस टर्म को ऐसे किया था ताकि आपको पता चल जाए, U.V से किया। यहाँ से देखिए ये 1/x है ना, 1/x का क्या होता है, -1/x2 हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंट क्या वापस होगा ना इसका, क्योंकि UX इसमें याद है, तो माइनस UX का 1 हो गया, V/C2 आ गया। अगेन क्या होगा, DUX/ में कितना आ जाएगा, DT, DUX/ में DT आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने किसका कर लिया डिफरेंशिएट, एक टर्म का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब किसका करेंगे, अपन इसका करेंगे, तो कॉन्स्टेंट क्या रह जाएगा, ये वाली टर्म क्या रह जाएगी, कॉन्स्टेंट रह जाएगी, तो प्लस। ठीक है, इस टर्म को क्या कर दीजिए, कॉन्स्टेंट, 1-V UX/ कितना हो जाएगा, C2, और की पावर कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, अब देखिए सॉरी, अब जब अपन इस टर्म का करेंगे, तो V तो क्या है, V तो S- की वेलोसिटी थी जो कि कॉन्स्टेंट थी, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, UX का कितना हो जाएगा, UX का 1 हो जाएगा, और UX का DUX फर्दर क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा। तो अब देखिए जब अपन इसको सोल्व करेंगे, तो कुछ कॉमन ले लें, DUX/DT इसमें कॉमन आ रहा है, और DUX/DT इसमें कॉमन आ रहा है। एक चीज और कॉमन ले लेते हैं अपन, 1/1-V UX/C2। देखिए यहां पर भी ये टर्म बन रहा है। ठीक है, तो अपन कॉमन ले रहे हैं, क्या अपन कॉमन ले रहे हैं, 1/1-V UX/ कितना, C2 के आ गया
कॉमन आ गया। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो कितनी होगी, v अपॉन कितना आ जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। और एक टर्म किसकी आ जाएगी, यू एक्स माइनस किसकी आ जाएगी, v की आ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस वन का मतलब अपॉन में केवल एक ही है। देखना, जैसे मान लीजिए आपको वन प्लस पी एक्स अपॉन टी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें से आपको पी कॉमन लेना है, तो बताओ इसमें पी नहीं है ना, तो वो वन अपॉन पी बन जाएगा और एक्स अपॉन टी आ जाएगा। ये तो बात जानते हो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। पी कॉमन लेने का ये तरीका है, देखो यहाँ पे स्क्वायर थी अर्थात घात दो थी, तो मतलब एक कम पड़ रही थी ना, तो एक कम पड़ेगी तो वन अपॉन में जाएगी, वन अपॉन में जब जाएगी तो ऊपर आ जाएगी, ऊपर इन सेंस वन अपॉन का मतलब जब अपन करेंगे तो ये वाली एक टर्म क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी वो हो जाएगी वन माइनस वी यू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किसी से होगा, मल्टीप्लाई देखो मल्टीप्लाई किसी से नहीं होगा। तो अब देखिए आगे, अब अपन क्या करेंगे, इसको अगेन सॉल्व करेंगे, एक टर्म फिर भी रहेगी, कौन सी, डी यू एक्स अपॉन कितनी रहेगी, डी टी, एक टर्म अभी भी रहेगी, कौन सी, डी यू एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए फर्दर अपन क्या करेंगे, इन टर्म को सोल्व करेंगे, फर्दर अपन इस टर्म को सोल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे डी यू एक्स की, ठीक है। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए हमने कॉमन ले रखा है घात दो, कितनी कॉमन ले रखी है, घात दो, तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस वी यू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसको अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो देखिए वी अपॉन वी इंटू वी, वी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, सी स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा वी यू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर। इसको अपन खुल के लिखें तो ये हो जाएगा प्लस वन माइनस वी यू एक्स अपॉन कितना आ गया, सी स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आप देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है आपस में, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी इसको अपन साफ कर सकते हैं ना, सर एग्जाम्पल के लिए आपने लिखवाया था ताकि स्पेस मिल जाएगा अपन को, ठीक है। अब आइए देखिए एक बार फिर से हाथ से साफ कर दें, क्योंकि सर्दी है ना, ये गिला रहता है, इस वजह से क्या रहता है, मार्कर अच्छे से नहीं चल पाता, ठीक है। अब देखिए फर्दर अपन क्या करेंगे, देखिए इस लाइन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अपन ने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट की है, ठीक है। देखो ये हो गया, अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो देखिए वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन कितना, सी स्क्वायर, और अपॉन में कितना बच जाएगा, वन माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा एक बात देखिए, ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी की, मानते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या करता है, डी यू बाई डी टी, लेकिन यदि ऊपर यू डैश है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, टी डैश होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे तो डी टी है, डी टी डैश है ही नहीं, तो डी टी डैश की वैल्यू अपन कहाँ से निकाले, यहाँ से, सर आपने पहले ही मेंशन कर रखा है, यहाँ से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, डी टी डैश बना सकते हैं। तो डी टी डैश बनाने के लिए अपन को वैल्यू किसकी चाहिएगी, डी टी की, तो यहाँ से डी टी की वैल्यू बनाइए। डी टी की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे डी टी की वैल्यू बन जाएगी, देखिए डी टी डैश तो ऊपर रह जाएगा, डी टी डैश ऊपर रह जाएगा, और अल्फा क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये पूरी टर्म नीचे चलाई जाएगी, तो वन अपॉन अल्फा, और क्या आ जाएगा, वन अपॉन आ जाएगा वन माइनस वी यू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर। ये लीजिए वैल्यू आ जाएगी किसकी, आपके पास डी टी की, और वो डी टी की वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, वो डी टी की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे। ये अभी अपन करेंगे, ये अभी अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि आपने यहाँ तक समझ लिया तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्या यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए आइए, ये इतना सॉल्यूशन हुआ, उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन को ए डैश चाहिए ना, तो ए डैश के लिए अपन को डी यू डैश अपन क्या चाहिएगा, डी टी डैश चाहिएगा, और डी टी डैश बनाने के लिए अपन ने क्या किया, डी टी को ही उठा लिया, ठीक है। वहाँ से अपन ने डी टी की वैल्यू निकाली और पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए डी यू डैश अपॉन डी टी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा, कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी जो वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली किसकी, हमने तो डी यू एक्स डैश अपॉन किसकी निकाली है, डी टी की। तो मतलब डी टी की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ डी टी,
इन दिस इक्वेशन, मतलब इसी समीकरण में डी टी का मान रखने पर। तो देखिए जब अपन डी टी का मान रखेंगे तो डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी, डी टी यहाँ से उठाइए, डी टी की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन अल्फा, वन अपॉन अल्फा, और कितनी वैल्यू है अपॉन आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस वी यू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, और कुछ आएगा, और आएगा सर साथ में क्या आएगा डी टी डैश, तो डी टी डैश कहाँ चला जाएगा यहाँ पर ऊपर, तो ये आ जाएगा डी टी डैश, और बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में सर यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन कितना सी स्क्वायर, ठीक है, और वन माइनस वी यू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी यू डैश अपॉन डी टी डैश क्या बन जाएगा, चलिए अपन लिख देते हैं एक बार ताकि आपको पता चले, है ना, क्योंकि इसके लिए हमने मेहनत की है, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, तो ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा सारा, या फिर आप बोलो तो ये क्या चला जाएगा जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा, तो इसके किस में आ जाएगा बट्टे में, सर क्या ऊपर चला जाएगा देखिए डी टी डैश अपॉन समथिंग है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, तो सॉल्यूशन के लिए इसको कहाँ पे आना पड़ेगा नीचे आना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, वन माइनस वी यू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, तो जब ये ऊपर चला गया तो एज इट इज क्या आएगा नीचे, तो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा अल्फा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस वी यू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, सर अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू अपन क्या करेंगे पुट करेंगे, सर कहीं पर लिख दीजिए ताकि पता चलता रहे हमें, चूंकि अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो देखिए अल्फा की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये देखिए ये सेम बन रहा है, तो इसकी घात कितनी बन जाएगी दो, इसका मतलब हम कह सकते हैं वन माइनस वी यू एक्स अपॉन कितना सी स्क्वायर की पावर तो कितनी हो जाएगी दो, और एक और आधी अर्थात तीन बटे दो, तो वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी थ्री वाई हाफ, तो ये लीजिए स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, वैल्यू आ जाएगी ए एक्स डैश की, किसकी ए एक्स डैश की आ गई। इसी प्रकार से अपन निकाल सकते हैं क्या ए वाई डैश, और इसी प्रकार से निकाल सकते हैं अपन क्या ए जेड डैश, और इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक देखिए, वापस यहाँ से समझिए, डी यू डैश अपॉन डी टी था ना, डी टी कहाँ से निकाला यहाँ से, वैल्यू रखी तो डी टी डैश में आया, उसको क्या किया ऊपर भेजा, ऊपर भेज के फिर नीचे लाए, सर ऊपर भेज के नीचे क्यों ला रहे हो, सीधे इससे मल्टीप्लाई करवा दो, कर सकते हैं लेकिन सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में कई बार आई और कई बार नहीं है, एक क्लास में हर प्रकार का स्टूडेंट बैठता है, चाहे वो थोड़ा नॉर्मल हो या अच्छे समझ वाला हो या बहुत ज़्यादा समझ वाला हो, तो एक टीचर को तो सबको लेके चलना पड़ता है ना, इसलिए मैं ये जानबूझ के से करता रहता हूँ कि वन अपॉन में ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो अपन अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो ये टर्म सेम बन जाएगी और ये जुड़ जाएगी, जुड़ के टोटल ओवरऑल किसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स डैश की। अब अपन बात करेंगे किस पे, ए वाई डैश और ए जेड डैश पे, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे किसकी वैल्यू ए वाई तथा ए जेड डैश, यहाँ तक एक बार आप क्या ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन वैल्यू क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए